हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से जीबी टेक इंडिया चैनल पर स्वागत है। आज और एक नए वीडियो के साथ आज मैं आपके लिए लाया हूँ iOS 14 के कुछ प्राइवेसी फीचर्स। तो ये आपको किसी एंड्रॉयड फ़ोन में नहीं मिलेंगे प्राइवेसी फीचर। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा और आपको समझ में आएगा कि एंड्रॉयड से iOS कितना सिक्योर फ़ोन है, जो आपकी सिक्योरिटी को कितना अच्छा मेंटेन करता है। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके हर एक फीचर्स इसके समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पहली प्राइवेसी टिप्स की तरफ नज़र डालते हैं, वो है क्लिपबोर्ड नोटिफिकेशन। एक्चुअली क्लिपबोर्ड नोटिफिकेशन कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं कि जैसे एक्सेस करते हैं बैकग्राउंड में, जैसे कि एग्जांपल ले लो कि टिकटॉक एक ऐसा एप्लीकेशन था, आप जो भी वहाँ पर क्लिपबोर्ड पे आप कॉपी करके पेस्ट करते थे, ये सारे चीज़ें ये क्या करता था, वहाँ से ये एक्सेस करता था। तो इस वजह से इसको एक ऑप्शन iOS ने निकाला है जो बेस्ट फीचर है, सिक्योरिटी फीचर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, वहाँ से मैं इसको जैसे सबसे पहले मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद आप इसको कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं पेस्ट करता हूँ, आप एक पॉपअप मैसेज देख सकते हैं, मैसेज पोस्टेड फ्रॉम द नोट। मतलब इसका मतलब ये है कि ये चीज़ आपको बता देती है कि आप कहाँ से कॉपी और कहाँ से पेस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ आपको ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशन में पॉपअप हो जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन आपके बिना परमिशन के कुछ भी एक्सेस करने की कोशिश करें, नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो क्लिपबोर्ड एक ऐसा सेंसिटिव प्लेस है जहाँ पे आप अपने पर्सनल पासवर्ड्स हो या बैंकिंग के, इंटरनेट बैंकिंग, कुछ भी आप कॉपी पेस्ट करके रखे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर कुछ भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में एक्सेस कर रहा है तो आपको मैसेज के थ्रू पॉपअप होकर आपको पता चल जाएगा कि आपका कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में कुछ एक्सेस कर रहा है या नहीं रहा है। तो दोस्तों, अपना जो अगला फीचर है ये बहुत ही कमाल का फीचर है, आपको किसी एंड्रॉयड में देखने को नहीं मिलेगा। जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जैसे आप उसको स्टार्ट करते हैं, आपके वाईफाई नेटवर्क के अंदर जितने आपके डिवाइसेस हैं वो सब डिवाइसेस उनके साथ ये एप्लीकेशन ने कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। और आपको iOS 14 में देखने को मिलेगी। आपको इस iOS 14 में देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप यहाँ पर जाएंगे, आपको जाना पड़ेगा प्राइवेसी में। प्राइवेसी में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप लोकल नेटवर्क को आप ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पर है, ये सारे एप्लीकेशन आपके लोकल नेटवर्क पे करते हैं कम्युनिकेट। ये सारे एप्लीकेशन यहाँ से आपके डिवाइस को करते हैं ट्रैक। तो आप जो भी आप नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं iOS 14 के ऊपर, आपको आप इसी तरह लोकल नेटवर्क पे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आप बेटर यहाँ से इसको सारे चीज़ों को आप ऑफ कर दीजिए इस तरीके से। तो जो अभी अपना अगला फीचर है दोस्तों, ज़बरदस्त और मेरा फेवरेट फीचर है, ये आपको एंड्रॉयड फ़ोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो एप्लीकेशन कैमरा एक्सेस करता हो या तो आपका माइक्रोफोन एक्सेस करता हो, खुद का क्यों एप्पल का जो कॉलर हो या फेस टाइम कॉलिंग हो, कुछ भी एक्सेस करे, ये फीचर आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कोई एक्सेस करता है तो यहाँ पे एक इंडिकेट लाइट आपको दिखाई दे रही होगी, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या एप्लीकेशन किस चीज़ को आप यूज़ कर रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कौन सा एप्लीकेशन आपका किस जगह पे ओपन हो रहा है। सब नज़र आएगा, जो कैमरा और माइक्रोफोन जो एक्सेस करता है वो एप्लीकेशन आपको साफ साफ दिखाई देगा। ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये एप्लीकेशन आपका कैमरा और माइक्रोफोन एक्सेस कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जो अपना अगला फीचर जो है वो भी प्राइवेसी के रिलेटेड है, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा प्राइवेसी के अंदर। प्राइवेसी के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ट्रैकिंग। आप बेहतर रहेगा कि इस ट्रैकिंग को ऑफ कर रखें, क्योंकि आप जितना भी यहाँ पे जो चैट करते हैं, जो भी आप वेबसाइट विजिट करते हैं, जो भी आपकी हिस्ट्री रहेगी आते हैं, वो सारे चीज़ें ये यहाँ पे आपका ट्रैक करते रहेगा। अलाउ ऐप टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक, तो बेटर ये ऑन ऑप्शन में रहेगा, तो बेटर आप इसको ऑफ रख दीजिए ताकि आपकी कोई भी प्राइवेसी आपकी ट्रैक नहीं कर सके। अगला फीचर है वो है वाईफाई प्राइवेट। तो वाईफाई प्राइवेट एक ऐसा ऑप्शन है, जब आप अंदर ऑप्शन में जाएंगे आप देख सकते हैं प्राइवेट एड्रेस। एक्चुअली ये प्राइवेट वाईफाई जो काम करता क्या है कि जैसे कि आप जिस नेटवर्क पे आप कनेक्ट है, ये प्राइवेट एड्रेस आपका एक अलग से क्रिएट करता है वाईफाई एड्रेस, जिससे सामने आपके नेटवर्क प्रोवाइडर को पता नहीं चलेगा कि आप किस वाईफाई नेटवर्क से आप कनेक्टेड है, क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट रैंडम गलत आईपी एड्रेस ये क्रिएट करता है, वाईफाई एड्रेस क्रिएट करके सामने ये भेजता है ताकि किसी को ये नहीं पता चलेगा कि आप किस नेटवर्क से आप कनेक्टेड है। ये बहुत ही अच्छा एक ज़बरदस्त फीचर है, इसको आप ऑन ही रखिए इसको।
अगला फीचर है सफारी ब्राउज़र है। सफारी ब्राउज़र एक बहुत ही सेफ़ और इनहेंस ब्राउज़र है जो एक आईफोन यूज़र के लिए, मैक यूज़र के लिए, आईपैड यूज़र के लिए यूज़ करना चाहिए और हर एक आईफोन यूज़र यूज़ करता है। वो एक एप्पल का एक ब्राउज़र है, तो बहुत ही अच्छा सेफ और सिक्योर ब्राउज़र है। इसके अंदर एक सिक्योरिटी फीचर दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पे ओपन करने के बाद ऊपर आप डबल ए पे आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको देखेगा प्राइवेसी रिपोर्ट। आप जैसे इसको ओपन करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आईफोन मुझको एक्चुअली प्रिवेंट करता है, जैसे कि ट्रैक करने पर कोई भी वेबसाइट मुझे ट्रैक करता है तो ये मुझे दिखा देता है, उससे मेरे को ट्रैक करने से प्रिवेंट करता है। जो भी आप ब्राउज करते हैं आईफोन के अंदर, आपको सारी चीज़ें ये आपको रिपोर्ट यहाँ पे ट्रैक करके दी जाएगी आईफोन। आप लोगों को तो गूगल क्रोम की जगह सफारी को यूज़ करना चाहिए। सफारी इज़ द बेस्ट सेफ एंड सिक्योर वेब ब्राउज़र है। आप जितने भी आईफोन यूज़र्स हैं ऑलमोस्ट तो वही यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आईफोन ने एक नया एप्लीकेशन लेके आया है, वो है ट्रांसलेटर। ये एक्चुअली ट्रांसलेट करता क्या है, एक लैंग्वेज से एक लैंग्वेज को एक्चुअली ट्रांसलेट करके देता है। लेकिन इसके अंदर भी एक प्राइवेसी इनहेंस फीचर है, इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा ट्रांसलेट पर। ट्रांसलेट पर आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन डिवाइस मोड, आप इसको ऑन करना पड़ेगा। इसको आप ओपन कर दीजिए। ये फीचर क्या काम करता है, आप जो भी प्राइवेट, आपकी जो भी प्राइवेट बातें होंगी, प्राइवेट चैट होंगी, प्राइवेट कॉन्वर्जेशन होंगी, ये आपके फ़ोन के डिवाइस में रहेगा। या तो इंटरनेट कनेक्टेड होने के बाद आपकी कोई भी बातें प्राइवेसी के बाहर नहीं जाएगी, सारे जो भी बातें होंगी, जो भी कॉन्वर्जेशन होगा, आपके फ़ोन के अंदर ही रहेगा। तो ये एक कमाल का फीचर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो अभी अपना अगला फीचर वो है बैक टैप। तो बैक टैप ये फीचर क्या काम करता है, iOS 14 का एक नया फीचर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत पसंद भी आया है। चलो हम इसको देखते हैं कि काम क्या करता है, किस तरीके से करता है। एक्चुअली बैक टैप होता क्या है, तो फ्रेंड्स बैक टैप ये होता है कि आपको पहले सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा एसेसिबिलिटी में जाना पड़ेगा। एसेसिबिलिटी में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है टच पर। टच पर जाने के बाद नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक टैप ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑप्शन दिया हुआ है डबल टैप एंड ट्रिपल टैप। अब डबल टैप बैक है, डबल टैप पे आप इतने सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप चाहे कुछ भी इसमें आप रख सकते हैं। और यहाँ पर ट्रिपल टैप में भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है, तो मैंने यहाँ पे चूज़ किया है डबल टैप पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ट्रिपल टैप में मैंने लॉक स्क्रीन लिया है। तो अब ये देखते हैं कि काम किस तरीके से करता है। तो फ्रेंड्स, अभी ये फ़ोन अभी इस तरीके से है। अभी देखिए डबल टैप में यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, देखिए स्क्रीनशॉट हो गया है। अभी मैं इसको ट्रिपल टैप करता हूँ, ये ऑफ हो जाएगा, देखिए ऑफ हो गया। तो ये इस तरीके से काम करता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। तो फ्रेंड्स, जो अभी अपना अगला फीचर है वो है सीरी। सीरी एक्चुअली पहले जब भी हम सीरी को ऑन करते थे कंप्लीट स्क्रीन पे कैप्चर हो जाता था, जिससे हमें दिक्कत हो जाती थी किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने में। अभी सीरी को iOS 14 पे ऐसे डिज़ाइन किया है कि बस एक छोटा सा लोगो नीचे आएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी सीरी एकदम छोटा सा है। सीरी, हाउ आर यू? हेलो, आई एम फाइन, थैंक्स। आप देख सकते हैं इस तरीके से सीरी काम करेगा अभी, एकदम छोटा सा। तो अभी ये बहुत ही कन्वीनियंट और अच्छा फीचर है। तो फ्रेंड्स, अब अपनी अगली सेटिंग है फोटोज़ के लिए। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अंदर प्राइवेसी में आना पड़ेगा। प्राइवेसी में आप जैसे जाएंगे आप यहाँ पर ओपन कीजिए फ़ोटोज़। आप जैसे फ़ोटोज़ ओपन करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपके सारे एप्लीकेशंस पड़े हुए, इन एप्लीकेशंस को एक्सेस क्या क्या मिला है। देखिए आपके सारे फ़ोटोज़ की एक्सेस मिली है। देखिए जैसे कि यहाँ पर अभी वाई स्टूडियो, इसके लिए क्या ज़रूरत है इसको, इसको तो फ़ोटोज़ की कुछ मतलब ही नहीं है, तो हम इसको अभी ऑफ़ कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से आपको सारे पता चल जाएगा किस एप्लीकेशन को आपको परमिशन देना है फ़ोटोज़ की, किस एप्लीकेशन को नहीं देना है। तो ज़रूरी जिसे आप उसे दे सकते हैं, जिसे ज़रूरी नहीं यहाँ से आप उसको ऑफ़ कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स अगली सेटिंग है म्यूज़िक के रिलेटेड। इसके लिए भी आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे म्यूज़िक पे जाना पड़ेगा। म्यूज़िक में आप एक ऑप्शन देख सकते हैं मोशन। मोशन को आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है ऑन, वाईफाई ओनली और ऑफ। ये एक्चुअली करता क्या है, जब आपका म्यूज़िक प्ले होता है वहाँ पर एक स्टिकर से एमिनेशन आता है, तो उसके लिए अगर चाहे तो आप वाईफाई के थ्रू भी उसको स्टीम कर सकते हैं, ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ रख सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उसको ऑफ मोड में रखें, ताकि ये भी डेटा बहुत कंज्यूम करता है और बैटरी पे भी असर पड़ता है। तो बेहतर रहेगा कि इसको ऑफ मोड पे रखिए। फ्रेंड्स, अब हम अगली सेटिंग की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले एसेसिबिलिटी में जाएंगे। आप एसेसिबिलिटी जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, आगे मैं इसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले हम चलते हैं सीरी। तो फ्रेंड्स, सीरी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑन ऑफ का ऑप्शन है, शो ऐप्स बिहाइंड सीरी। ये एक्चुअली करता क्या है, अभी जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने इसको ऑफ कर दिया।
अभी यहाँ पर देखिए, हे सीरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड ग्रेइश कलर आ गया। ये देखने में सही नहीं लग रहा है, तो इसके लिए क्या है, आप इसको यहाँ से अभी हम ऑफ कर देते हैं। तो जैसे मैं इसको ऑन कर दूंगा, अब यही देखिए, आप देख सकते हैं सीरी यहाँ पे आ गया, लेकिन आपके बैकग्राउंड में आपके जो भी है जो व्हाट्सएप, तो सारे आप चीज़ें नज़र आ रही है। आप इसके तरीके इस तरीके से आप सीरी के साथ ये कर सकते हैं। इसका आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं विथ साइलेंट मोड ऑफ, इसको आप हमेशा टिक रखिए। जैसे एग्जांपल, अगर आपने कभी साइलेंट मोड में रखा है यहाँ पर, जैसे आपका मोबाइल साइलेंट मोड में चला गया, अब आप सीरी को एक्सेस करना चाहते हैं, आप कुछ भी बात करेंगे तो आप नहीं चाहेंगे कि वो आपको बताए, तो सारा आपको मैसेज के थ्रू वो दे देगा। जैसे कि हे सीरी हाउ आर यू, देखिए अब वो साइलेंट होने की वजह से यहाँ पे वो सारा मैसेज के थ्रू मेंशन कर रहा है, क्योंकि अभी वो हमने साइलेंट मोड में रखा है, वो सीरी एक्सेस कर भी रहा है और हमें मैसेज भी दे रहा है, क्योंकि वो बोल के सुना नहीं पाए क्योंकि मैंने साइलेंट मोड में ऑफिशियली रखा है उसको। तो फ्रेंड्स, हम आप चलते हैं अगली फीचर की तरफ, वो है फीचर साउंड रिकग्निशन। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, सेटिंग्स में एसेसिबिलिटी में जाना पड़ेगा। एसेसिबिलिटी में आप यहाँ पर देख सकते हैं साउंड रिकग्निशन एक्चुअली करता क्या है। फ्रेंड्स, ये उनके लिए स्पेशली उनके लिए फीचर बहुत अच्छा है, जिनको कम सुनाई देता है, जो सुनाई कम देता है उनके लिए। जैसे मैं साउंड रिकग्निशन को इसको मैं ऑन करूँगा, अब सारा टाइम ये सारे साउंड्स जो है ना सर्च करते रहते हैं। जैसे कोई साउंड इसके रेंज में आ जाता है, वो इमीडिएटली वो नोटिफिकेशन दे देता है आपको, ताकि आपको समझ में आए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, और स्पेशली जिनको सुनाई कम देता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको ऑन रखना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, तो बेहतर रहेगा कि ऑफ़ कीजिए, वरना आपकी बैटरी इसमें ज़्यादा ड्रेन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं फिर अब अगली सेटिंग्स की तरफ, वो है कैमरा के लिए। तो फ्रेंड्स, पहले हमको कैमरे के लिए कोई भी रेजोल्यूशन चेंज करने के लिए हमें जाना पड़ता था सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें जाना पड़ता था कैमरे पे। कैमरा के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सारे फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि रिकॉर्ड इन, देखिए यहाँ पे देखिए 720 1080 4K 4K 30 4K 60 fps, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए। तो हमें यहाँ पे अंदर आके इसको सेटिंग पे चेंज करना पड़ता था, लेकिन iOS 14 के बाद अब एक नया फीचर आ गया, वो बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट हो गया। जैसे आप कैमरा को ऑन कर देते हैं, आप कैमरा को ऑन कर देंगे, यहाँ पे आप वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आप यहाँ पर देखते हैं HD विथ 60 FPS फ्रेम्स पर सेकेंड। अब यहीं से आप इसका देखिए 4K विथ 60 फ्रेम पर सेकेंड, यहाँ से आप HD फुल HD 4K 30 FPS 24 FPS, आप जो भी रेजोल्यूशन है अपने वीडियो का, आप यहीं से आप चेंज कर सकते हैं, जो इससे बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट हो गया, पहले बहुत दिक्कत होती थी। तो फ्रेंड्स, अब अपनी अगली सेटिंग है ऐप लाइब्रेरी। तो ऐप लाइब्रेरी पहले सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर कितने पेज है, एक पेज हो गया, ये दो हो गया, और ये तीसरा पेज हो गया। तीसरे पेज के बाद आपको यहाँ पर ऐप लाइब्रेरी मिलेगी। अभी यहाँ पे क्या है, अगर आपको ज़्यादा पेजेस आपके डिस्प्ले पे नज़र आ रहे हैं, तो आपको इसे कम करना है, या तो आपको सिर्फ डायरेक्ट एक पेज के बाद आपके सारे एप्लीकेशन ऐप लाइब्रेरी जाना है, डायरेक्ट आपको ऐप लाइब्रेरी चाहिए, तो इसको कुछ नहीं, बस आप यहाँ पर होल्ड कीजिए और नीचे आपको डॉट्स मिलेंगे, आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके तीनों पेज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको अगर डिस्प्ले पर नहीं चाहिए, आपको एक ही पेज चाहिए, बाकी सारे आपको ऐप नहीं चाहिए, तो बस इसको अनचेक कर दीजिए इस तरीके से। ये जैसे आप अनचेक करके इसको आप डन कर दीजिए, अभी आप यहाँ पे फिर दोबारा डन कर दीजिए, आप देख सकते हैं आप डायरेक्ट अब एक ही पेज डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होम पेज पर, उसके बाद सीधे से आपको ऐप लाइब्रेरी आएगा। ये ऐप लाइब्रेरी जो कंपनी जो iOS ने डिज़ाइन किया है, वो आपके कैटेगरी के हिसाब से एप्लीकेशन को वो सेट कर देंगे, और जो भी आप एप्लीकेशन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो सारे आपके टॉप में रिसेंट्स में आपको दिखा देंगे अपने आप। जैसे एग्जांपल, आप मैं इसको ओपन कर देता हूँ ऐप लाइब्रेरी पे, तो यहाँ पे आपके सारे एप्लीकेशन यहाँ पे इस ऐप लाइब्रेरी से ओपन हो जाएंगे। आपके सारे एप्लीकेशन आपको चाहिए तो आपको फिर आपको दोबारा होल्ड करना पड़े, फिर आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा इस तरीके से, फिर आपको यहाँ पर डन करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, फिर आप दोबारा डन कीजिए, यहाँ आपके आपके होम पेज में फिर पेज आ गया 1 2 3, और ये आपकी लाइब्रेरी। अगली सेटिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पर होम स्क्रीन पे आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड टू होम स्क्रीन ऐप लाइब्रेरी ओनली और शो इन ऐप लाइब्रेरी। जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है ऐड टू होम स्क्रीन। ऐड टू होम स्क्रीन मतलब क्या, आपको जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा डायरेक्ट आपको आपके होम स्क्रीन पे चाहिए, या तो आपको अपने लाइब्रेरी में चाहिए,
या आप अपनी लाइब्रेरी के अंदर रखना चाहते हैं या आप अपने होम स्क्रीन पे रखना चाहते हैं, ये आपको ऑप्शन पूछ रहा है। अगर आपको ऐप लाइब्रेरी पे अगर आपको इंस्टॉल करना है, एप्लीकेशन डायरेक्टली इंस्टॉल करके वहाँ पे जाना है तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, नहीं आपको होम स्क्रीन पे रखना है तो आप यहाँ पे चेक कीजिए। और ये तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पे देखते हैं, शो इन ऐप लाइब्रेरी, मतलब आपकी जो ऐप लाइब्रेरी में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी डायरेक्टली ऐप लाइब्रेरी के अंदर, वहाँ पे आपकी सारी नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अगली सेटिंग्स की, वो है लोकेशन। लोकेशन के लिए अब आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। आप जैसे सेटिंग में जाएंगे आपको जाना पड़ेगा प्राइवेसी में, प्राइवेसी में आपको जाना पड़ेगा लोकेशन पर। लोकेशन में आप जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे एप्लीकेशन कि आपके लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आया है, आप चाहे तो इसको आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन दे सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं फाइंड माई लोकेशन पे, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे प्रिसाइज लोकेशन। ये प्रिसाइज लोकेशन अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये जो एप्लीकेशन जो है ये मेरा एग्जैक्ट लोकेशन अभी मेरा घर कहाँ पे ये पकड़ नहीं पाएगा। हाँ वो अप्रॉक्सीमेटली उसका एरिया देगा, बस ये एरिया के आसपास उसका घर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है परफेक्ट लोकेशन दे नहीं पाएगा अगर प्रिसाइज लोकेशन अगर ऑफ करेंगे। अगर ऑन करेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक फीचर है, पहले एक्चुअली ये फीचर नहीं था iOS 13 में, अब iOS 14 के अंदर ये बहुत ही अच्छा फीचर है। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अगली सेटिंग की तरफ, वो है ब्राउज़र। ब्राउज़र के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप जैसे जाएंगे आपको जाना पड़ेगा क्रोम, ये रहा क्रोम। जैसे मैं क्रोम में जाऊंगा, यहाँ पे पहले एक ऑप्शन नहीं था, अभी iOS 14 में नया ऑप्शन आया, जैसे डिफ़ॉल्ट ब्राउज एप्लीकेशन। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे पहले ऑप्शन नहीं था, अभी आपको ऑप्शन मिल रहा है, या तो आप इसको डिफ़ॉल्ट जो इसका ब्राउज़र आप सफारी रख सकते हैं या तो आप गूगल क्रोम रख सकते हैं। अगर मैं आपको गूगल क्रोम रख दूंगा तो अभी ये जो भी मैं अभी इसको ब्राउज करूंगा गूगल क्रोम में डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम ही ओपन होगा। आप इसी तरह पहले ऑप्शन नहीं था, अभी एक iOS 14 का एक नया फीचर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा फीचर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, और नीचे बेल आइकॉन मिलेगा आप उसे भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूँ फिर और एक नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।